शिखर धवन का पत्नी आयशा से हुआ तलाक, एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हुआ खुलासा, लेकिन क्रिकेटर ने अब भी साधी है चुप्पी। नमस्कार, मैं मोनाली पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 28। वर्तमान में शिखर धवन के तलाक की खबर आई है। शिखर धवन की पत्नी आयशा मुखर्जी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिस पोस्ट में उन्होंने भावुक अंदाज में अपने तलाक से जुड़ी खबर लिखी है। हालांकि अभी तक शिखर धवन और आयशा मुखर्जी की तरफ से इस खबर से जुड़ा कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। संगी, मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले से ही दोनों के बीच तनातनी चल रही थी। वहीं एक ओर आयशा मुखर्जी ने अपने आधिकारिक अकाउंट को डिलीट कर दिया है। नवंबर 2020 में दोनों का एक दूसरे के अकाउंट्स को अनफॉलो करने की खबर भी सामने आई थी। संगी, मैं आपको बता दूं कि आयशा मुखर्जी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से धवन के साथ की सारी पिक्स को डिलीट कर दिया था, लेकिन शिखर धवन के तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। आखिरी बार शिखर धवन को भारतीय टीम के कप्तान के रूप में देखा गया था। वे श्रीलंका दौरे पर गए थे और अब उन्हें आईपीएल 2021 में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलना बाकी है। शिखर और आयशा की शादी को 9 साल हो चुके हैं। दोनों ने 2012 में शादी की थी। दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम है जोरावर। हालांकि दोनों की शादियों में काफी अड़चने आई थी, लेकिन उनकी मां ने उनका साथ दिया था। आयशा मुखर्जी की पहली शादी से उनकी दो बेटियां भी हैं और अब दूसरी शादी से शिखर धवन का एक बेटा जोरावर है। आयशा ने तलाक के बारे में इंस्टाग्राम पे लिखा है कि एक बार तलाक हो चुका है, लग रहा था कि दूसरी बार काफी कुछ दाव पर है। मुझे काफ़ी कुछ साबित करना था, इसीलिए जब मेरी शादी टूटी तो यह काफ़ी डरावना था। मैंने सोचा था कि तलाक गंदा शब्द है, लेकिन फिर मेरा दो बार तलाक हो गया। मज़ेदार बात यह है कि शब्दों के कितने ताकतवर मतलब और संबंध हो सकते हैं। मैंने तलाकशुदा के रूप में खुद से यह महसूस किया। हालांकि ये खबर कितनी सच या कितनी झूठ है, इस पर आप और हम कुछ नहीं कह सकते। अभी तक सिर्फ आयशा मुखर्जी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पोस्ट के जरिए लोगों तक यह बात पहुंचाई है, लेकिन आधिकारिक रूप से इस खबर का बयान आना अभी तक बाकी है। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो में एक नई मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।